हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट पर मेडिकल साइंस में। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रोज़ हमारा एक वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा और इस वीडियो को आप विस्तार से समझ भी पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ वीडियो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत स्पेशल वीडियो है और वो वीडियो भी आज अपन MRI की पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है टाइम ऑफ रिपीटेशन और टाइम ऑफ ईको। इस पर डिस्कशन किया जाएगा। TE और TR के नाम से इसको जाना जाता है और पूरा डिस्कशन इसके ऊपर किया जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और समझते हैं कि TE और TR क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हैं कि जो TR जो होता है, एक यू मानो कि MRI के अंदर एक TR आता है और ये MRI की जो फिजिक्स होती है वहीं से शुरुआत होती है इसकी। तो TR क्या होता है और TE क्या होता है। TR का मतलब होता है टाइम ऑफ रिपीटेशन, टाइम ऑफ रिपीटेशन। अब भाई टाइम को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, उसी को अपन टाइम ऑफ रिपीटेशन कहते हैं। लेकिन रिपीट किसको किया जा रहा है इसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अपन MRI के अंदर RF पल्स देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, और RF पल्स जो होती है वो पल्स अपन देते हैं और अपने जो लो एनर्जी के प्रोटॉन्स होते हैं, लो एनर्जी स्टेट वाले, या इन लो एनर्जी स्टेट वालों को अपन ने क्या बोला था, पैरेलल जो प्रोटॉन्स होते हैं ये एक्साइटेड होके कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये एक्साइटेड होके कहाँ चले जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के अंदर चले जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, इन फेज की प्रक्रिया करते हैं। यहां तक कि आप बात फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे। तो जो RF पल्स है किसका काम करती है, एक्साइटेशन देने का काम। तो एक्साइटेशन अपन दो प्रकार से दे सकते हैं। एक तो अपन RF पल्स दे सकते हैं 90 डिग्री, एक अपन RF पल्स दे सकते हैं 180 डिग्री। नॉर्मली स्टूडेंट्स, RF पल्स जो दी जाती है एक्साइटेशन के लिए वो दी जाती है 90 डिग्री RF पल्स। अपन मोस्टली सीक्वेंस जो अपने MRI के अंदर यूज लेते हैं उसमें अपन 90 डिग्री की RF पल्स देते हैं। तो RF पल्स होती क्या है इसकी बात करते हैं। देखो, अपन ने क्या किया, 90 डिग्री की RF पल्स दी, ये साहब 90 डिग्री की RF पल्स अपन ने दी और यार पल्स देते उससे कुछ ना कुछ सीक्वेंस अपन को मिलेगा, ठीक है। फिर मान लो कि लगती है फिर 180 डिग्री की सीक्वेंस RF पल्स, फिर सपोज करो अपन ने 180 डिग्री की RF पल्स वापस दे दी इसी सीक्वेंस में और वापस अपन क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री की RF पल्स दे रहे हैं। तो देखो, ये जो इस प्रकार से RF पल्स अपन दे रहे हैं, तो देखो यहाँ से भी सिग्नल आएंगे, यहाँ से भी सिग्नल आएंगे और इसके बाद 90 डिग्री वापस स्टार्ट हो गया। तो देखो, स्टार्टिंग के 90 डिग्री से लेके तो दोबारा 90 डिग्री RF पल्स अपन ने यूज की है, दोबारा जो RF 90 डिग्री RF पल्स यूज की है, इसमें जो टाइम लगा है अपन को रिपीट होने में, उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ रिपीटेशन कहते हैं। तो TR का मतलब आप लोगों को समझ में आएगा। अब बात करते हैं अपन TE की। तो चलते हैं आगे, TE के बारे में समझते हैं। तो TE क्या होता है, देखो TE जो होता है उसको बोलते हैं अपन टाइम ऑफ ईको। और ईको का मतलब यहां पर जो MRI में लिया गया वो सिग्नल से लिया गया है कि RF पल्स देने के बाद, RF पल्स देने के बाद अपन को जो सिग्नल्स मिलेंगे वो फ्री इंडिकेशन डी के मिलते हैं ना, FID, ठीक है। तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ईकोज बोलते हैं। और ईकोज के रूप में अपन को क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। तो वो किस प्रकार से होता है सिग्नल्स, अपन ने सपोज करो 90 डिग्री की RF पल्स दी, दे दी 90 डिग्री की RF पल्स। इस RF पल्स को देने के बाद अपन को क्या प्राप्त हो गए, सिग्नल प्राप्त हो गए। तो इस RF पल्स देने के बाद ईको प्राप्त होने में जो टाइम लगता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ ईको बोलते हैं। तो दो बातें आप लोगों को समझ में आएगी, टाइम ऑफ ईको क्या है, फिर क्या होता है वापस 180 डिग्री की पल्स जो है वो रिपीट होती है 180 डिग्री, फिर वापस होती है 180 डिग्री की, या मान लो 90 डिग्री की। वो टाइम ऑफ रिपीटेशन अलग अलग सीक्वेंस का अलग अलग होता है, टाइम ऑफ जो TE होता है वो अलग अलग सीक्वेंस का अलग अलग होता है। आगे की वीडियो में अपन इसी TE और TR को विस्तार से पढ़ेंगे। सभी सीक्वेंस के अंदर TE और TR का एक अलग महत्व होता है और इन TE TR का महत्व ही क्या करता है, अपन को इमेज प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये भी TE TR ही बताता है
या टीई टीआर पे ही डिपेंड करता है कि अपनी जो बॉडी के अंदर है उस बॉडी में टीई और टीआर इन चीजों पे डिपेंड करता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका सीक्वेंस आता है तो किस टाइम के अंदर आता है और कैसा अपन को इमेज के अंदर दिखता है। इमेज मिलने के बाद अपन ये डिफाइन करते हैं या देखते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि ये इमेज जो है ये कौन से सीक्वेंस की इमेज है। इसके बाद डिस्कशन अपन इसी क्रम में करेंगे, इसी यूट्यूब के माध्यम से करेंगे और इन्हीं को सबको समझते हुए अपन आगे चलेंगे और ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये टी ई और टी आर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आगे के वीडियो के क्रम में अपन और इस चीज़ों को बेहतर समझेंगे। और आप अगर विस्तार से सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारा VCIPS इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सारी चीज़ें विस्तार से बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से, इसके साथ ही आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप बने रहे, आपके लिए फिर से मैं आप हाजिर होऊंगा इसी वीडियो के इसी यूट्यूब माध्यम पर। धन्यवाद।